सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय इंदौर और इंदौर राज्य साइबर सेल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी जीएसटी फॉर्म बनकर 700 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फ्रॉड करने वाले गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपियों को सीजीएसटी पुलिस ने रिमांड पर लिया तो वहीं इन 3 आरोपी राज्य साइबर सेल पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किए। दरअसल सीजीएसटी कार्यालय द्वारा एक लिखित आवेदन राज्य साइबर सेल को सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि सीजीएसटी ने ऐसे इनपुट निकले हैं जिसमें टैक्स क्रेडिट आईटीसी बनाने और उन्हें पारित करने वाले एक रैकेट सक्रिय है, जिन्होंने बड़ी संख्या में फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाई हुई है और स्क्रैप और अन्य बिजनेस के आधार पर यह बदमाश इनपुट टैक्स क्रेडिट बना रहे हैं। इनमें बदमाशों ने न केवल इंदौर बल्कि देश के बड़ी बड़ी फर्म का नाम का उपयोग कर फर्जी नाम, नंबर और पता तकनीकी तौर पर फ्रॉड करते हुए उपयोग में लिए हैं। शिकायत के बाद राज्य साइबर सेल इंदौर और सीजीएसटी कार्यालय इंदौर में संयुक्त ऑपरेशन करते हुए गुजरात सूरत से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले जांच में दोनों ही विभाग को लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक के इनपुट मिले थे, लेकिन जांच पूरी होते होते यह आंकड़ा 700 करोड़ तक जा पहुंचा। दबिश के दौरान दोनों ही टीमों को सूरत में बदमाशों के फ्लैट से 500 से अधिक फर्जी फर्मों के दस्तावेज, अनेक शॉट करने वाले डॉक्यूमेंट्स, बड़ी संख्या में लोगों के आधार कार्ड के डाटा, फर्जी पते के डॉक्यूमेंट्स, 300 से अधिक फर्जी फर्मों के सील, लेटर पैड, फर्जी दस्तावेज जब्त हुए। सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट से हमको एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया, उस पर हमारे द्वारा जांच की गई। उस आवेदन के अंदर ये था कि कुछ फर्जी फर्में फर्जी पतों पर रजिस्टर हुई थी जीएसटी के अंतर्गत, और उसके अंदर फिर वो ईबी बिल भी जनरेट कर रहे थे और जो भी पते थे उसमें जो भी सीमों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो जो भी थी वो जो थी वो फर्जी पतों पे थी, फर्जी व्यक्ति के नाम से थी। सर लगभग क्या कितनी फर्म है, कितने करोड़ रुपए अब तक सामने आए हैं? हमने फिर जीएसटी के साथ में सूरत में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, उसके अंदर जो जानकारी प्राप्त हुई है कि करीब 300 से अधिक फर्म तो अभी सामने आई हैं जो कि बोगस फर्में हैं, और उसमें ईबी बिल भी प्राप्त हुए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, और उनके द्वारा बताया गया है जो कि उनका अनुमान है फाइनेंशियल उस पर वही देख रहे हैं, करीब 100 करोड़ रुपए का तो टैक्स क्रेडिट जो इनपुट है वर्तमान में अभी निकला है और आगे उनकी जाँच जारी है। दरअसल आरोपियों ने परंपरागत बैंकिंग चैनल से बचते हुए विभिन्न मोबाइल नंबरों से जुड़े कई डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेन देन कर रहे थे। वे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के अलावा अपनी पहचान भी छुपा रहे थे। सर इस पूरे मामले में अब तक आप लोगों ने कितने लोगों की गिरफ्तारी की है? हमारे द्वारा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, इसके अंदर जीएसटी के द्वारा जो है 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की, कुल 5 लोग गिरफ्तारी। सर सर सभी आरोपी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? सभी आरोपी गिरफ्तारी जो है हम जो है उन आरोपियों को यहाँ लाए, यहाँ उनसे सारी चीज पूछताछ की, उन्होंने जो स्वीकार किया हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई। तो क्या सूरत से सर सभी आरोपी गिरफ्तार है? नहीं, जीएसटी ने सूरत से गिरफ्तार की थी, हम लोगों ने यहाँ से गिरफ्तार की, हम पूछताछ के लिए भी लाए थे। अच्छा, पूरी सारी चीज हमने एस्टेब्लिश की, उन्होंने स्वीकार किया अपना जो सर जिस तरीके से सर टेक्निकल बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत पढ़े लिखे लोग इस तरीके से काम करते हैं टैक्सेशन, क्या जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या मिली सर? कोई 10th पास है, कोई जो है 12th पास है, ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है वो, लेकिन उनको जीएसटी का और इस प्रक्रिया का अच्छा से नॉलेज है। ठीक है सर, कंपनी का ज्यादा लोग बिल यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी देखा है तो ज्यादातर तो जो स्क्रैप मटेरियल होता है सीमेंट का भी कुछ है क्या? सीमेंट का नहीं, इसके पटेल ज्यादा है, उसमें ट्रांसपोर्ट की रसीदें नकली हैं, जो ट्रांसपोर्ट का जो बिल होता है रसीदें होती हैं, तो वैसे कुछ नकली है, रसीद कट्टे हैं। सर जैसे आपने जांच किया, इसमें मोबाइल नंबर जो मिले, दूसरे जो पता मिले, कई लोगों के पता ही नहीं उनका आधार कार्ड यूज हुआ, उनका नंबर यूज हुआ, लोगों को नहीं मालूम है, मतलब सब कुछ फर्जी फेक पते, मोबाइल नंबर के जो रहता था वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, कंपनी का रजिस्ट्रेशन अन्य व्यक्ति के नाम से, इस तरह से पते भी जो रहते थे वो मिक्स कर देते थे वो, जिससे कि एग्जैक्ट आप जान ही पाओगे।